गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी के अंदर कम हो चुकी है, ये हम बिना टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक किए कैसे जान सकते हैं, या फिर टेस्टोस्टेरोन इस हार्मोन के हमारे बॉडी के अंदर कम होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर लो सेक्स ड्राइव है या फिर लो लिबिडो है तो वो एक सबसे पहला और सबसे प्रमुख लक्षण होता है टेस्टोस्टेरोन के कम होने का। दूसरी बात होती है कि जिस भी व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम है उस व्यक्ति में रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद भी उस व्यक्ति में मसल का साइज भी नहीं बढ़ता और मसल की स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ती। टेस्टोस्टेरोन के लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम होने की वजह से उस व्यक्ति में बार बार इरिटेबिलिटी होना, डिप्रेशन होना, मूड ऑफ होना, या फिर वो व्यक्ति ज़्यादातर समय दुखी रहना, ये सब चीज़ें भी उस व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होने की वजह से हो सकती हैं। इसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम है तो फिर उस व्यक्ति में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, इसके साथ साथ उस व्यक्ति की मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाती है, वो व्यक्ति सब चीज़ें ठीक से ध्यान में भी नहीं रख पाता। तो कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी, इनके ऊपर भी टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम होने का काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसके बाद जिस भी व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है उस व्यक्ति में सर के बाल तो रह सकते हैं लेकिन बाकी बॉडी के ऊपर, मतलब हाथ और पैरों के ऊपर जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाते हैं और काफ़ी समय और गिरने भी लगते हैं। तो बाकी बॉडी के ऊपर जो भी बाल है उनका लूज होना और गिरना ये भी एक लक्षण होता है जिसकी सहायता से हम उस व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन के कम होने का डायग्नोसिस कर सकते हैं। जिस तरह से किसी भी फीमेल में मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैशेस होते हैं उसी तरह से मेल्स में भी अगर टेस्टोस्टेरोन की लेवल्स कम हो जाए तो उसकी वजह से उस मेल में भी हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं। तो हॉट फ्लैशेस होना ये भी एक लक्षण होता है जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति में या फिर इस पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से उस व्यक्ति को रात में ठीक से नींद नहीं आती या फिर नींद नहीं लगती है, गहरी नींद वो व्यक्ति नहीं ले पाता, और इसके साथ साथ उस व्यक्ति को नींद के बीच में अपनी सांस घुटने जैसा महसूस होने लगता है, तो इस जिसको कि हम स्लीप अपनी ऐसे भी बोलते हैं। तो इस तरह से नींद ना आना, नींद न लगना, स्लीप अपनिया का प्रॉब्लम होना, ये भी कुछ लक्षण हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के डिफिशियंसी वाले पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद जिस भी व्यक्ति के बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है वो व्यक्ति हमेशा खुद को थका हुआ महसूस करता है, टायर्ड महसूस करता है। इसके बाद उस व्यक्ति के जो बोन्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अगर इस तरह का व्यक्ति कहीं पर भी गिर जाता है तो इस तरह के पेशेंट के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से जिस भी पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम होते हैं उस पेशेंट में एनीमिक कंडीशन भी देखी जाती है, मतलब कि उसका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो एनीमिया होना ये भी एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकते हैं। तो अभी हमने जिस भी लक्षणों के या फिर जिन भी सिम्टम्स के बारे में बात की ये सभी सिम्टम्स इशारा करते हैं कि जिस व्यक्ति में इसमें से एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स अगर एक साथ है तो फिर उस व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कम हो सकते हैं, अभी कम है कि नहीं है वो जब तक आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करवाओगे, आपके ब्लड यूरिन के टेस्ट नहीं करवाओगे तब तक इसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। लेकिन एक कुछ ऐसे फिजिकल साइंस और सिम्टम्स हैं जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि इस पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात की कि टेस्टोस्टेरोन अगर किसी व्यक्ति में कम होता है तो उसकी वजह से क्या लक्षण आते हैं इसके बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।